अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर रजा। वेलकम टू लर्नोमिस्ट। आज हम एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी उसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। कुछ टर्म्स हैं चैप्टर के अंदर, बार बार आगे क्वेश्चन में रिपीट होंगी, तो उनको पहले हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमें फिर क्वेश्चन करने में आसानी होगी। मीन्स के हर क्वेश्चन में वही बातें आ रही होंगी, कमिंग स्लाइड्स में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है। एन आर्टिफिशियल पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ विद डिस्टिंक्टिव नेम, अ कॉमन सील, अ कॉमन कैपिटल कंप्राइजिंग ट्रांसफरेबल शेयर, कैरिंग लिमिटेड लायबिलिटी एंड हैविंग द परपेचुअल सक्सेशन। अब ये जो मैंने इसमें हाईलाइट किए हैं वर्ड्स, ये इसके की वर्ड्स हैं जी। आर्टिफिशियल पर्सन से क्या मुराद है? एक जिस तरह हमारी अपनी एक पहचान है, हम एक जैसे कहते हैं जी कि मिस्टर अली किधर है, वो जी फलां जगह है, इस तरह करके कंपनी भी एक नाम है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एमसीबी बैंक किधर है या एचबीएल बैंक किधर है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आप कहेंगे फलां जगह है। लेकिन अगर मैं पूछूँ उसका ओनर कौन है, तो यू डोंट नो। इस तरह करके जिस तरह एक बंदे की हैसियत होती है, इस तरह एक कंपनी की हैसियत होती है, जिस तरह एक बंदे का नाम होता है उस तरह उसका एक डिस्टिंक्टिव नेम होता है। सेम कॉमन सील, कॉमन सील से मुराद उसकी जो स्टैंप होती है उसको कॉमन सील बोलते हैं, और उसमें ट्रांसफरेबल शेयर होता है कि शेयर आगे ट्रांसफर भी किया जा सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा थर्ड ईयर में। लिमिटेड लायबिलिटी से मुराद क्या होती है जी, कि वो जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी अप टू द शेयर होती है। लाइक अगर कंपनी बाद में बैंकरप्ट होती है या वाइंड अप होती है, तो अगर कंपनी को नुकसान होता है तो उनके शेयर बेच कर जिस हद तक शेयर होगा सिर्फ उस हद तक उसको बेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसके पर्सनल एसेट्स बेचे जाएंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी में उसके पर्सनल एसेट्स भी बेचे जाते हैं उसको नुकसान पूरा करने के लिए, बट लिमिटेड लायबिलिटी में ऐसा नहीं होता। परपेचुअल सक्सेशन के आगे उसने मजीद चलती रहेगी, ये नहीं कि फौरन वो बंद हो जाएगी। अच्छा जी, अब शेयर कैपिटल ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वैसे जिसकी बहुत सारी चीज़ें हैं किसमें हैं, लेकिन हम सिर्फ वो वाले टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, और हम चूंकि हर क्वेश्चन में ये वर्ड्स आ रहे होंगे तो हमें किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। ऑथराइज कैपिटल, आपको तकरीबन हर क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल के बारे में बताया जाएगा। ये जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद ये होता है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को रजिस्ट्रार इजाजत देता है कि आप इस हद तक शेयर इशू कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। ऑथराइज कैपिटल ये क्वेश्चन के अंदर जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पर शो होता है। इशूड कैपिटल, अब ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो जनरल पब्लिक को ऑफर किया जाएगा कि आए शेयर खरीदें, ठीक है जी, ऑफरिंग पार्ट क्या कहलाएगा? इशूड कैपिटल। और फिर उसमें एक सब्सक्राइब्ड आगे आता है जी, कि वो जो लोग क्या करते हैं उसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। पेड अप कैपिटल से मुराद के वो इशू कैपिटल का वो पार्ट जो लोगों ने परचेज कर लिया और अमाउंट कंपनी को दे दी, उसको हम क्या कहेंगे? पेड अप कैपिटल। ऑथराइज वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जिसकी उसको इजाजत है, इशूड कैपिटल जितना उसने जनरल पब्लिक को ऑफर किया है, और पेड अप कैपिटल से मुराद के वो ऑफर करदा शेयर का जितना हिस्सा उन्होंने उसके पैसे कंपनी को जमा करवा दिए, उसको हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल। आगे क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ शेयर गिवन होती हैं, जैसे कि पार वैल्यू, डिस्काउंट, प्रीमियम। अब पार वैल्यू क्या होती है जी? व्हेन शेयर आर इशूड एट अ प्राइस व्हिच इज इक्वल टू द फेस वैल्यू। जो शेयर है वो बेसिकली जस्ट पीस ऑफ पेपर है, सेम ऐसे ही जैसे आपके पास 100 रुपए का नोट हो। 100 रुपए का अगर नोट देखे तो ऊपर क्या लिखा होता है? ₹100। अब आप ऐसे समझिए कि वो नोट की फेस वैल्यू है, और उसको हम क्या बोलते हैं जी? पार वैल्यू। सेम शेयर के ऊपर जो प्राइस लिखी होगी उसको हम क्या बोलेंगे जी? पार वैल्यू। और अगर वो उतने का ही बिकता है, जैसे लेट्स सपोज 100 का नोट है, ऊपर 100 लिखा हुआ है, अगर मार्केट में 100 रुपए का ही वो पीस ऑफ पेपर बिके, हम उसे क्या कहेंगे? इशूड एट पार। डिस्काउंट से मुराद के ऊपर तो 100 रुपए लिखे हुए,
लेकिन वही अगर मार्केट में 90 रुपीज का बिकता है, बिलो दी आर वैल्यू बिकता है, उसको हम कहेंगे इशू शेयर ऑन डिस्काउंट। व्हेन शेयर आर इशूड एट अ प्राइस व्हिच इज लेस देन द फेस वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे जी, डिस्काउंट। और प्रीमियम क्या होगा, व्हेन शेयर आर इशूड एट प्राइस व्हिच इज मोर देन द फेस वैल्यू। ऊपर पीस ऑफ पेपर के ऊपर 100 रुपए लिखे हुए हैं, अगर वही मार्केट में 100 से ऊपर, चाहे वो 1 रुपए ऊपर बिके, 10 रुपए ऊपर बिके, तो हम क्या कहेंगे, शेयर इशूड एट प्रीमियम। फिर सब्सक्रिप्शन के बारे में क्वेश्चन में तस्करा होगा जी, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स मीन ऑफरिंग ऑफ शेयर टू द पब्लिक एंड जनरल पब्लिक अप्लाई फॉर परचेजिंग ऑफ सच शेयर। कंपनी क्या करेगी, ऑफर करेगी शेयर जनरल पब्लिक को कि आए शेयर खरीदें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। वो ऑफरिंग को हम क्या बोलेंगे जी, सब्सक्रिप्शन। अब जब वो ऑफर करेगी तो 3 सिनेरियो सामने आएंगे। पहले एग्जैक्ट और फुल सब्सक्रिप्शन, व्हेन एप्लीकेशन फॉर शेयर हैज रिसीव्ड इक्वल टू द शेयर ऑफर्ड, ठीक है जी। यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक है, सॉरी जी। व्हेन एप्लीकेशन फॉर शेयर हैज रिसीव्ड इक्वल टू द शेयर ऑफर्ड, फॉर एग्जांपल कंपनी ने कहा मैं 10,000 शेयर बेचना चाहती हूं और लोगों ने 10,000 लोगों ने ही अप्लाई किया कि हम शेयर खरीदना चाहते हैं, दिस इज द एग्जैक्ट आर फुल सब्सक्रिप्शन। ऐसा बहुत रेयर होता है। अब अंडर सब्सक्रिप्शन, व्हेन एप्लीकेशन फॉर शेयर हैज रिसीव्ड लेस देन द शेयर ऑफर्ड, कंपनी ने कहा मैं 10,000 शेयर बेचना चाहती हूँ और कंपनी को 9,000 एप्लीकेशन आ गई, मतलब जितना वो ऑफर कर रही उससे कम दरखास्तें आई। अंडर, अंडर मतलब कम, ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा, ज्यादा सब्सक्राइब कर दिया। एप्लीकेशन फॉर शेयर रिसीव मोर देन द शेयर ऑफर्ड, कंपनी ने कहा मैं 10,000 शेयर बेचना चाहती हूँ, कंपनी को 11,000, 12,000, वट एवर द अमाउंट ग्रेटर देन द 10,000 एप्लीकेशन हैज रिसीव्ड, तो हम उसको क्या कहेंगे जी, ओवर सब्सक्रिप्शन। कि ये कौन सी सब्सक्रिप्शन है, ओवर है कि ज्यादा दरखास्तें आ गई। एग्जैक्ट जितनी ऑफर की उतनी एप्लीकेशन आई, अंडर सब्सक्रिप्शन जितनी ऑफर की उससे कम आई, ओवर सब्सक्रिप्शन जितनी ऑफर की उससे ज्यादा आई। अब जनरल पब्लिक को शेयर इश्यू करने का क्या प्रोसीजर होगा, अब देखें जनरल पब्लिक आम आवाम, कंपनी आम आवाम को नहीं जानती, इस वजह से उनको प्रॉपर अप्लाई करना पड़ेगा। पहले वो एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन के बाद उनको शेयर इश्यू किए जाएंगे, और अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई तो उनको, जो ज़्यादा आए उनको पैसे वापस किए जाएंगे। इनको हम डिटेल से आगे देखते हैं। अब याद रखें कि जनरल पब्लिक को जस्ट एप्लीकेशन देनी होगी, क्यों, क्योंकि जनरल पब्लिक को कंपनी नहीं जानती। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर एग्जैक्ट और फुल सब्सक्रिप्शन आती है, मींस कि कंपनी वांट्स टू इशू 10,000 शेयर्स एंड कंपनी आल्सो हैज 10,000 एग्जैक्टली एप्लीकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर शेयर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन। जितने भी शेयर होल्डर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो पहले एप्लीकेशन देंगे और फिर उनको शेयर इशू कर दिए जाएंगे। पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव की, दूसरी शेयर इशू करने की। देखते हैं जी एप्लीकेशन रिसीव कैसे, उसकी एंट्री क्या करेंगे। अब ये साथ मैंने एक एग्जांपल लिखी, व्हेन एप्लीकेशन फॉर शेयर रिसीव फॉर 80,000 शेयर, 80,000 दरखास्तें आई एंड कंपनी आल्सो वांट इशू 10,000 शेयर, कंपनी भी 80,000 चाह रही थी, ये दोनों बराबर हो गए, एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन और पावर वैल्यू जो शेयर की है वो 10 रुपीज 10। अब कंपनी जब एप्लीकेशन रिसीव करे, कंपनी के पास पैसे बढ़ जाएंगे इंक्रीज इन एसेट्स की वजह से, बैंक अकाउंट डेबिट, 80,000 एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन 10 रुपीज की है, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 लाख। और ये पैसे क्यों आए, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई कंपनी की, तो ये भी 8 लाख आ जाएगा। मनी रिसीव जनरेशन आ गई, मनी रिसीव अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर 80,000 एट द रेट 10 एट पार। अब क्या है जी, सिंपल आपने याद रखना है, जब भी एप्लीकेशन रिसीव करनी है जनरल पब्लिक की, बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेने हैं चूंकि पैसे आ रहे हैं, और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर देने हैं कि ये क्यों आ रहे हैं, एप्लीकेशन की वजह से आ रहे हैं। दूसरा स्टेप, इशू शेयर टू द जनरल पब्लिक। अब लोगों ने एप्लीकेशन दे दी, लोगों ने अप्लाई किया, वी वांट टू परचेज द शेयर, कंपनी ने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया और कंपनी अब शेयर इशू करने जा रही, वही जो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन हमने क्रेडिट की है
इनको हम डेबिट कर देंगे खत्म करने के लिए, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये शेयर ऑर्डिनरी क्या चीज है, आम शेयर। ये शेयर की किस्में हैं उस डिटेल में हम नहीं जा रहे, जैसे कि कॉमन स्टॉक या ऑर्डिनरी स्टॉक, प्रेफर्ड, ठीक है, प्रेफर्ड शेयर। तो यहाँ पे आपने ऑर्डिनरी शेयर लिखते हैं, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन जो पहली एंट्री में आप क्रेडिट कर चुके होंगे उसको डेबिट कर देने, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा याद रखें, हमेशा पार वैल्यू से आएगा, वही 8 लाख जो था इधर डेबिट किया, 8 लाख क्रेडिट। ये दो एंट्रीज होंगी इनके हिसाब एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन। नाउ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, जैसे कि हमने पीछे देखा कि कंपनी जितने शेयर इशू करना चाह रही है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गए, हम उसको क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसके 3 स्टेप हो जाएंगे, पहले 2 स्टेप वही है, तीसरा जितनी ज्यादा दरखास्तें आएंगी उनको उनके पैसे वापस करने होंगे, दिस इज द रिफंड। अब वही, व्हेन एप्लीकेशन फॉर शेयर रिसीव 95,000 शेयर एंड कंपनी वांट्स टू इशू 80,000। अब लोगों ने 95,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, लेकिन 80,000 कंपनी शेयर इशू करना चाहती थी और एक शेयर 10 रुपए का है। अब जितनी एप्लीकेशन आएंगी पैसे उस हिसाब से रिसीव कर लेंगे, ठीक है, ये नहीं कि कंपनी 80,000 करना चाहती है तो इधर 80 से आएगा। जितनी एप्लीकेशन आएंगी, चाहे वो कम आए चाहे वो ज्यादा आए, एप्लीकेशन जितनी आएगी, पहले चूंकि एप्लीकेशन की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, 95,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9,50,000। और ये क्यों आ रहे हैं, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन की वजह से कि उन्होंने एप्लीकेशन दी है। दूसरी एंट्री, अब कंपनी तो सिर्फ 80,000 शेयर इशू करना चाहती है तो एप्लीकेशन को डेबिट सिर्फ 80,000 से करेगी, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन 80,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 8 लाख, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 8 लाख। क्योंकि हमेशा शेयर कैपिटल पार वैल्यू से आता है और कंपनी सिर्फ 80,000 इशू करना चाहती, उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकती, डेट्स वाई यहाँ पे जितने कंपनी करना चाहती उतने से एंट्री आई। अब 95,000 एप्लीकेशन आई, 80,000 उसने क्या किया, इशू कर दिए, 15,000 जिन लोगों को शेयर नहीं मिला वो तो पैसे वापस मांगेंगे, तो पहली एंट्री को रिवर्स कर देने। देखें, बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों, क्योंकि उनके पैसे वापस करने ही कंपनी से पैसे जा रहे हैं 1.5 लाख, क्योंकि 15,000 ज्यादा दरखास्तें थी मल्टीप्लाई बाय 10, और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन उनकी दरखास्तें वापस कर दी और बैंक को क्रेडिट कर दिया 1.5 लाख, मतलब ये पहले वाली एंट्री रिवर्स हो गई। लेकिन वो जितनी ज्यादा दरखास्तें हैं सिर्फ उनके, ये नहीं कि यही अमाउंट लिख देनी है, सिर्फ इनको रिवर्स करना है, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन और बैंक क्रेडिट 80,000 और 95,000 का डिफरेंस 15,000 आता है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो 1,50,000, ये आपके पास रिफंड फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्री आ जाएगी। इनको आपने अच्छी तरीके से इन एंट्रीज को देख लेना है आगे, क्योंकि जो हम क्वेश्चंस करेंगे ये वहां पर। ये था हमारा आज का लेक्चर, कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अगर किसी किस्म की आपकी कोई कन्फ्यूजन होती है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।